स्तर पार करने से रोका जाए, 400 पार। दो लड़कों की पहले स्टोरी लेकर आए थे, अब फिर से फिल्म रिलीज कर रहे हैं यूपी के अंदर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को भी हो रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, हम इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। मैं 370 या 400 की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री 400 क्यों चाह रहे हैं। पहले विवेक डिब्रॉय से कहलवाया, बाद में अनंत हेगड़े से कहलवाया, उसके बाद ज्योति मिर्दा से कहलवाया। ये सब कठपुतलियां हैं, पपेट मास्टर। पीएम तो पपेट मास्टर है ना, प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो पंथ विरोधी, जो पंथ निरपेक्षता की बात होती है हमारे संविधान में, जो सामाजिक न्याय की बात होती है हमारे संविधान में, उसके खिलाफ आरएसएस और बीजेपी है। और इसीलिए अभी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हटाकर नरेंद्र मोदी के संविधान को लाने के लिए 370 और 400 की बात कर रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, 2004 में इंडिया शाइनिंग, हमारे देश के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, हम राजस्थान हार चुके थे, छत्तीसगढ़ हार चुके थे, मध्य प्रदेश हार चुके थे, पर मैं 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, और यही इतिहास 20 साल बाद दोहराया जाएगा। सर एक और ऐसा नहीं है।